प्रणाम सर। क्या टॉपिक है? सर टॉपिक भेजे हैं सर। भेजी हो? जी प्रणाम सर। सर देखते हैं। प्रणाम सर। पूछ रहा हूँ प्लास्टिसिटी अप्रोच ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट। पूछ रहा हाँ क्या है लगा दिए। हाँ लगा दिए थी सदर वो बिछा दिए सालन में भी बिछा है दरगाह लगा दिए बाल रोड पे है बच्चा एप्पल की का छोटा छोटा है। हाँ तेरी को बना के दे दिया तो तेरे को हम पानी पे नहा के लाए पानी पर पानी पे नहा के लाए
लिख लिए? जी सर।
लिख लिए? जी सर, जी सर, जी सर लिख लिए। यस सर।
लिख ली? जी सर। लिख ली? जी सर। जी सर।
लिख ले। जी सर।
लिख लिए जी सर जी सर यस सर लिख लिए जी सर यस सर
लिख लिए जी सर दैट्स ऑल सर दैट्स ऑल प्रणाम सर प्रणाम सर खुश रहो प्रणाम सर खुश रहिए डिप्टी कलेक्टर बनिए कार खरीदिए कार पर चढ़ करके ऑफिस जाइए बतला दीजिए कि इकोनॉमिक्स पढ़ने से क्या फायदा होता है क्या रिचा सर इसमें पहले जो फॉर्मूला आप लिखवाए थे सतत श्रेणी में और खंडित श्रेणी में तो ये सर मांग की लोच का फॉर्मूला है मांग की लोच है तब ना लोच एक्सपोर्ट लोच जानने के लिए पहले मांग की लोच जानना होगा जी तो इसलिए मांग की लोच का फॉर्मूला देने के बाद ही हम लोग आवेंगे मार्शल लर्नर अप्रोच पर और सतत श्रेणी और ये खंडित श्रेणी इसलिए दिए कि कॉपी देखने वाले को पूरा अंदाज हो जाएगा कि स्टूडेंट जो है वो नंबर वन है प्रूफ के साथ है तो कॉपी तुम्हारा अन्य से अलग हो जाएगा जो पढ़े रहेगा या उसको कोई स्कूल कॉलेज में पढ़ाए रहेगा ठीक से वही उसको लिखेगा नहीं तो मांग की लोच शब्द लिख के आगे बढ़ जाएगा वो तो मांग की लोच को वहां क्लियर किया गया और तब हम उसको मांग को एक्सपोर्ट मांग कर दिए इंपोर्ट मांग कर दिए एक्सपोर्ट इंपोर्ट का मांग कर दिए तो उसके पहले मांग का ही कंसेप्ट जो है लोच का कंसेप्ट बीच में डालना जरूरी है वो नहीं देने पर मिसिंग होगा ठीक है और कंटिन्यूअस भी डाले और डिस्क्रीट भी डाले कंटिन्यूअस में डेल्टा लिखाता है डी वाई बाई डी एक्स रहता है और डिस्क्रीट में डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स रहता है डेल्टा जब दिया जाए इसका तो कंटिन्यूअस नहीं सतत नहीं है श्रेणी प्रैक्टिस कर लेना इसके आया हुआ है कई बार बीपीएससी में 80% नंबर तक उठा सकती हो।